नमस्कार, भारत एक्ट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। कोरोना एक चाइनीज सामान है जिसका इन्वेंशन जनवरी 2019 में चीन के वुहान शहर में हुआ था। हालांकि इसके जन्म को लेकर आज भी अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन सबसे मजबूत दावा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर देखने को मिलता है, जहां कुछ इसे तबलीगी बताते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना का आगमन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा के बाद से शुरू हुआ था। हम भारतीयों को चाइनीज सामान बहुत पसंद आते हैं, तो ऐसे में कोरोना ने भी भारत में डेरा जमाना जरूरी समझा। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील, स्पेन, इटली और रूस जैसे देशों की यात्रा कर चुके कोरोना को यहां बाकी देशों से अधिकतर सम्मान मिला है, और इस बार चुनावों के दौर में कोरोना का पूरे तामझाम के साथ वेलकम भी किया गया। बीते साल कोरोना के आगमन के बाद हमारी सरकार ने इसे भी इवेंट बना दिया था। ताली, थाली, सीटी और दिया उत्सव मनाया गया था। ताली थाली के बाद हमने खूब हाथ धोया। अब इसमें कोरोना धुला या नहीं पता नहीं, लेकिन कईयों की नौकरी से, कभी अपनों से, कभी खुद की जान से हाथ धोना पड़ गया। हमारे देश में आई कोरोना की लहर की कई विशेषताएं, जैसे कि हमारे देश में कोरोना स्कूलों में जा रहा है, कोरोना बाजारों में टहल रहा है, शादियों में बिना निमंत्रण पहुंच रहा है, लेकिन नाइट आउट का शौकीन होने की वजह से सरकारों को नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। कहीं कहीं तो कोरोना वीकेंड पर भी घूमने निकल पड़ता है, जिसकी वजह से वहां वीकेंड लॉकडाउन करना पड़ा है। भारत वाले कोरोना में एक और खास बात है कि अगर आप अकेले कार में जा रहे हैं तो आपको वो पकड़ सकता है, लेकिन अगर आप सरकार में हैं तो खुद ही आपसे 2 गज की दूरी बना लेता है। कोरोना सरकार का समर्थक मालूम पड़ता है, क्योंकि जैसे ही तेल के बढ़ते दामों, कृषि आंदोलन की चर्चा ने जोर पकड़ा तो कोरोना ने लोगों का सिर पकड़ लिया। लेकिन कुंभ पर दिखती भीड़, बंगाल असम में दिखती भीड़ की बात करने से पहले एक बात जान लीजिएगा कि महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है और सबसे ज्यादा कोरोना के मामले वहीं से आ रहे हैं। मतलब गड़बड़ कुछ और है, रैली या रैला वजह नहीं है। वैसे चुनावी रैलियों में पहुंचने वाले लोगों को भी ये समझना चाहिए कि कोरोना उनका रिश्तेदार नहीं है जो उन पर रियायत करेगा। रैलियों में संख्या के भाव में गिने जाने वाले लोगों को भी समझना चाहिए कि नेताजी रैली में आते हैं तो मंच पर बैठते हैं, मंच पर कोविड से बचाव के लिए भी मेजर्स अपनाए जाते हैं। उनका कुछ नहीं बिगड़ना नहीं और कुछ भी बिगड़ता भी नहीं, तो उनके पास तमाम संसाधन है। सोचना जनता को है, माहौल हल्का बनाए रखने के लिए इस तरह ह्यूमर का इस्तेमाल कर देश का हाल सुनाने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा देर तक अब इस मुद्दे को हल्का नहीं रखा जा सकता। तो अब हकीकत का सामना कर लीजिए, क्योंकि जब गलत और सही चुनने का वक्त हो तब तटस्थ रहना भी अपराध है। तो देश में फिलहाल प्रधानमंत्री इलेक्शन में है, मुख्यमंत्री आइसोलेशन में है और जनता फ्रस्ट्रेशन में है। अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, शमशान में मुर्दे कतारों में हैं 2400 घंटे, चिताएं जल रही हैं, मुर्दाघर पटे पड़े हैं, कब्रिस्तानों में जमीनें कम पड़ गई हैं, सड़कों पर एम्बुलेंस का सायरन दहशत फैला रहा है। तो ऐसे में आज भी 2,740 नए केस सामने आए, मगर हमारे देश के मुखिया वीडियो ट्वीट करके बंगाली नववर्ष की बधाई दे रहे हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि राजनीति भी मोस्ट एसेंशियल चीजों में गिनी जाने लगी है, इसलिए कोरोना जब एक बार फिर दरवाजों पर खड़ा है तो राजनीति उन दरवाजों को लांघकर डेमोक्रेसी का पर्व मना रही है। इसमें सरकार क्या, विपक्ष क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री की बंगाल में हुई रैलियां और उनमें दिखती भीड़ को सभी ने देखा। लेकिन आश्चर्य हुआ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों को देखकर, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी मां यानी सोनिया गांधी जी के संदेश को भी शायद नहीं सुना। वहीं महाराष्ट्र में जब कोविड चरम पर है तो नौटी कहकर महफिल लूट लेने वाले संजय राउत भी शांत नहीं है, सैनिटाइजर रगड़ रगड़ कर रोड शो कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के कहर के बीच सिस्टम की कारगुजारियों का सबसे ज्यादा दुख देता है। उत्तर प्रदेश के बागपत में कोरोना का टीका लगवाने गए एक वृद्ध को डॉक्टरों ने कुत्ता काटने यानी रेबीज का टीका लगा दिया। मैंने कोरोना का इंजेक्शन लगवाने को गया, मैंने कहा कोरोना का इंजेक्शन लग रहे हैं, वो बोला कहे हाँ लग रहे हैं, उनकी तो मेरे लगा दो, कहे ये को ले आओ सिरिंज। मैं बोला उनकी सिरिंज तो अस्पताल में मिला, कहे नहीं नहीं कुत्ते वाली सिरिंज लिया। जब उसने एक दो बार कहीं मैं लिया लाया, उनकी कुत्ते वाली काहे को मंगाई है, कुत्ते वाली से थोड़ी लगा है कोरोना का, इसी सब तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, और उसको इंजेक्शन लगा दिया। अगला मामला रायबरेली से, जहां कोविड अस्पताल में डॉक्टर मरीज के तीमारदारों को पीपीई किट देकर कह रहे हैं कि शव को इसमें पैक करो और घर ले जाओ। हाँ, क्या करें हम इसको, अपनी बॉडी जो है वो खुद रख लीजिए,
पीपी किट दिया है कि खुद ही रख लो जाके। बाटी तुम रखो हमारी, हम लेकर नहीं आए थे, आप लेकर आए थे। हाँ ये देखो, ये प्रशासन है, देखो सुरन की आवाज है। हाँ सुनो, अच्छा पेशेंट, सॉरी ये पेशेंट, इनको देखो कहाँ की बॉडी, खुद रखो। वहीं आंध्रा में 4000 कोरोना केस मिले हैं। इसके बाद भी आंध्रा के कुरनूल में उगाड़ी के अगले दिन एक स्थानीय परंपरा के तहत बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर लोग एक दूसरे के ऊपर गाय का गोबर फेंक रहे थे। ना कोई मास्क लगाए था और ना ही कोई 2 गज की दूरी इसको बेहतर समझ रहा था। किसी भी इंसान का हक होता है कि मौत के बाद उसके शव का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार हो, लेकिन राजनांद गांव में कोरोना से मरने वालों के शवों को कचरा उठाने वाली गाड़ी में ले जाया गया। इस सब के साथ अगली तस्वीर ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। तस्वीर है लखनऊ से, जहां एक शमशान के ये दृश्य है जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इन तस्वीरों को देख कर रामधारी सिंह दिनकर की वो लाइनें याद आ जाती हैं कि जिनमें वो कहते हैं कि मखमल के पर्दों के बाहर फूलों के उस पार ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ अंधेरे में जा रहा है। यहाँ लखनऊ में मुस्कुराना अभी भी बरकरार है। व्यापारी भाइयों ने एक निर्णय किया और मुख्य बाजार और दुकानों के शटर डाउन कर दिए। सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही खोली जा रही हैं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लखनऊ ने देश को एक बड़ा संदेश दिया है। जिस तरह से व्हीलचेयर को उसका खोया हुआ सम्मान दिलाने में सीएम ममता बनर्जी और मुख्तार अंसारी का बड़ा योगदान रहा है, उसी तरह से डिप्रेशन को भी उसका खोया हुआ सम्मान दिलाने में कोरोना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए जब हम कोरोना के बढ़ते मामलों की बात करते हैं तो जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सभी बातों पर भी बात करें जो कोरोना के दौर में कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। समय कठिन है, जितना डॉक्टरों को याद करने की ज़रूरत है उतना ही साइकोलॉजिस्ट को भी याद करने की ज़रूरत है। यकीन करिए, इस वक्त ब्लेम गेम से ज़्यादा और कुछ ज़रूरी है। ऐसे में जहां मेरा काम रिपोर्टिंग करना है, लेकिन फिर भी इससे इतर कुछ बातें करना भी ज़रूरी है। कोरोना के मुश्किल समय में कोशिश करिए कि खुद को टीवी पर चलने वाली कोरोना की न्यूज़ से दूर कर लीजिए। कोरोना से मरने वालों की संख्या पर भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये स्कोर बोर्ड नहीं है जो उस पर नज़र बनाई जाए या आपको परेशान कर सकता है। कोरोना से हुई मौतों के बारे में हर जानकारी जानने की इंटरनेट पर कोशिश ना करें या आपको सिर्फ मानसिक तौर पर नुकसान करेगा। कोरोना को लेकर वायरल होते वीडियो जो डर पैदा करें, ऐसे वीडियो को फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी मानसिक रूप से उतना ही मजबूत हो जितने कि आप हैं। जितना ज़्यादा हो सके घर पर रहें, परिवार के साथ बातचीत करें, मजे करें, गाने सुनें, कुछ नई चीज़ें सीखें या पढ़ें। सकारात्मक माहौल आपकी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करेगा, लेकिन नकारात्मक माहौल आपकी इस लड़ाई को और कमज़ोर करेगा। याद रखिए, यह समय भी बीते साल की ही तरह बीत जाएगा। बीते साल भी एक से भरकर एक डरावने और खतरनाक वीडियो, खबरें व आर्टिकल सामने आए थे, जहां बेड़ों की कमी, इटली की भयानक तस्वीरें, भारत में अब लोग कैसे बच पाएंगे जैसी बातें होने लगी थी। लेकिन बाद में सभी ने एक बार फिर भारत को चहकते देखा, एक बार फिर भारत को संवरते देखा। तो याद रखिए, बादल कितने ही घने क्यों ना हों, जब ये बादल छटेंगे तो जो रोशनी होगी बहुत शानदार होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।